तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अदर न्यू व्लॉग। और भाई आज जो है ना, काफी दिन बाद जो है ना, मतलब भाई व्लॉग वगैरह जो है ना भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। रीजन क्या था, काफी दिन से जो है ना भाई व्लॉग वगैरह जो है ना भाई रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई जब से तुम्हारा भाई चारधाम होकर के आया है ना, मतलब सच बता रहा हूँ, इतना ज्यादा आराम किया मैंने। 12-12 घंटे, 13-13 घंटे भाई मैं सोया ही सोया हूँ। और मेरे दोस्त यार लोग मेरे से क्या, ओहो दीदी जी आप थोड़ा साइड हो जाइए भाई, मेरे दोस्त यार लोग जो है ना कह रहे हैं मेरे से कि भाई कितना सोते हो, कितना सोते हो, अंजलि ने तो खून पी लिया मेरा सो सो करके। और बहुत से लोग जो है ना ऐसा कह रहे थे कि रोहन भाई वीडियोस वगैरह नहीं आ रही हैं, तो मैंने कहा कि हाँ भाई वीडियोस वगैरह नहीं आ रही है, रीजन क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है ना भाई जा रहा है एक और नेक्स्ट राइड पर, मतलब समझ सकते हो ना काफी लंबी राइड होने वाली अब की बार। और आज जो है ना, मतलब हम जो है ना, मतलब सोच रहे होगे कि अचानक से कैसे मतलब एक्टिवा से जो है ना निकला है, तो भाई हम जो है ना जा रहे हैं अभी दुकान, क्योंकि पापा ने ना आज दुकान पे जो है ना शरबत बंटवाने का, आज एकादशी है फिलहाल वैसे बता दें, तो भाई पापा ने जो है ना भाई दुकान पे जो है शरबत बंटवाने का जो है ना शायद खा हुआ है, तो वहीं जा रहे हैं। और भाई आपको एक बात और बता दें, तुम्हारा भाई जो है ना जो जा रहा है ना अब की बार, मतलब उसके सपनों की जगह होती है, और हर बाइकर के सपनों की जगह ही है भाई वो। तो गाइस ये देखो भाई, लग रहा है चलान अलान जो है ना भाई ठोक देंगे इनका। कानपुर में जो है ना भाई यही है, अगर आप थोड़ा सा भी पुलिस वुलिस वालों से बहस वगैरह करोगे तो आपका जो है ना भैया चलान, समझ सकते हो ना सिस्टम। तो भैया हम जो है ना यार इतनी जगह हो करके गए, मतलब हो करके आए, मेरा लेकिन ना यार चलान नहीं कटा यार, मतलब भगवान की इतनी अच्छी असीम कृपा थी मेरे ऊपर कि हमने जो है ना इंश्योरेंस वगैरह सब करा लिया था, उसके बावजूद भी तुम्हारे भाई को जो है ना भाई कुछ हुआ नहीं। और अभी जो है ना यार हम लोग आ चुके हैं यार गौशाला पे, भाई साहब क्या BMW जा रही थी। यहाँ पे तो यार मेट्रो वेट्रो का काम इतनी तेज़ी चल रहा है ना कि बस पता ही नहीं चल रहा है कानपुर कब बदल जाएगा। तो भाई हम भी जो है ना भाई निकाल लेते हैं कभी कदार गाड़ी जो है ना अच्छे से, मतलब चलानी तो आ गई है, ऐसा तो नहीं है कि एक्सपीरियंस ना हो, एक्सपीरियंस तो आ गया है। और थंबनेल तो गाइस आप लोग ने देख ही लिया होगा इतनी देर से कि भाई तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है। तो यार हम जा रहे हैं भाई लद्दाख, भाई समझ रहे हो, लद्दाख जा रहे हैं और इसी स्कूटी से जाएंगे, मतलब समझ रहे हो इस स्कूटी से लद्दाख। मतलब कानपुर में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई बंदा अपनी एक्टिवा लेकर के जो है ना भाई जा रहा होगा लद्दाख के लिए, मतलब अभी तक इतने दिनों में भाई मैंने किसी को देखा नहीं कि कोई बंदा भाई अपनी मतलब एक्टिवा को जो है ना भाई लद्दाख लेकर के जाए। और तुम्हारा भाई शायद पहला बंदा होगा कानपुर में ऐसा जो भाई अपनी एक्टिवा को लद्दाख लेकर के जाएगा, मतलब समझ सकते हो ना भाई तुम लोग कि भाई हम कितना ज़्यादा जो है ना इस समय मतलब सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे जाएंगे क्या करेंगे। तो गाइस बता दूँ आप सभी को कि भाई मैं जो ना इस गाड़ी में जो ना फुल मॉडिफिकेशन वगैरह करवाने वाला हूँ, टॉप बॉक्स लगवाएंगे, एक ठो लाइट्स लगवानी है, काफ़ी चीज़ें जो ना भाई करवाना है, और पता नहीं गाड़ी में आवाज़ भी कहीं ना कहीं से जो है ना भाई आ रही थी, तो उसको भी जो ना भाई सही करवाना है, तभी जाएंगे भाई, ऐसे तो नहीं जाने वाले भाई। और भाई कोई पेड़ जो है ना भाई थोड़े दिन पहले आए थे भाई, ये पेड़ ऐसे खड़े हुए थे चार के चार, आज आकर के देखा तो भाई काट दिए गए, इधर तो काम चल रहा है यार मेट्रो वेट्रो का। भाई मंदिर अंदर कुछ नहीं छोड़ रहे, मंदिर हो चाहे मस्जिद, तो रास्ते में कुछ भी आ रहा है लोग उड़ा दे रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे भाई, कितनी जल्दी ये सब जो है ना भाई रख दिए गए, देख रहा हो यहाँ तो पहले लगता ही नहीं था कि कुछ है भी, अब तो जो है ना रख दिए गए ना ये मेट्रो वाला बेस इसका रख दिया गया है, थोड़े दिन में जो है ना भाई इसी के ऊपर मेट्रो घूमेगी और हम आपके साथ एक वीडियो बना रहे होंगे। गाइस देखो कानपुर में भाई मेट्रो चालू हो गई है फुल तरीके से, और हम जो है ना भाई वीडियोस बनाने के लिए भाई आ चुके हैं, समझे एक दिन भाई यही होने वाला है, क्योंकि ये रोडें जो है ना इतनी बेकार हो गई हैं भाई यहाँ की कि बस कुछ कहने को नहीं है। तो अभी जो है ना भाई हम आ चुके हैं यार नौवस्ता, भाई नौवस्ता में भी जो ना गाइस सच बता रहे बहुत ज़्यादा जाम रहता है यार। ओहो भैया जी बढ़ा लीजिए, ओ भाई साहब पूरी माल लग रही है यार होंडा सिटी तो यार, मतलब वैसे यार पता है मैं जो है ना शायद अपनी होंडा सिटी से अलाउट कर रहा हूँ, रीज़न क्या है क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को कोई दूसरी गाड़ी लेनी है, इसीलिए शायद अपनी होंडा सिटी, और भाई अपनी RC 390 अभी तक मैंने सेल आउट नहीं करी है। रीज़न क्या था कि भाई बाहर आर आने जाने चक्कर में जो है ना भाई कोई सही बायर दिखा नहीं, तो उसकी वजह से ना भाई अभी रोक करके रखे हैं। तो बता दिया भाई दोनों चीज़ के अपडेट कि भाई तुम्हारा भाई रोहन भाई कार और बाइक दोनों अपनी सेल आउट कर रहा है। ओहो और नौवस्ता में भी भाई असल ना यहाँ हुआ क्या है कि नौ, ओहो चश्मा देखो कैसे लगाए, रॉबिन हुड लग रहा है अंकल जी दबंग,
समझ रहे हो, मतलब दबंग स्टाइल। ओ हो, अभी जो है ना भाई, क्या सिस्टम है कि हम जैसे ही गाड़ी तेज चला रहे हैं ना, मतलब मेरे अगले वाले टायर से जो है ना हल्की सी मतलब खड़खड़ाहट टाइप की जो नहीं होती है वो आ रही है। अब मेरे को ये नहीं पता, जैसे देखो हम 60 चल रहे हैं ना भाई, एक्टिवा सबसे बड़ी समस्या एक चीज़ है ना इसमें भाई ना, वो नहीं है, क्या नाम है, रेडिएटर। अब हमें समझ में आया कि एयर कूल इंजन जो होता नहीं, जो रेडिएटर वगैरह दिया रहते हैं वो बड़े काम की चीज़ होती है। उसमें ये होता है कि आराम से आप चाहे कितने किलोमीटर भी चला लो, अगर आप कहीं रुकते नहीं हो तो आपको दिक्कत नहीं होती। अब जैसे हम चार धाम वाली यात्रा में गए तो भाई हर जो है ना 100-110 किलोमीटर पे ना भाई स्टॉप ले रहे थे, कहीं हमारा इंजन सीज ना हो जाए। अब यही होता है कि रेडिएटर वाली गाड़ी में कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। इतना बड़ा बड़ा ट्रक है, देख रहे हो मतलब कि। अरे भैया जी, आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। पता नहीं क्या उससे बहस कर रहे थे, उसको समझा रहे थे ट्रक वाले को। आदमी जो है ना ये नहीं समझता है, ट्रक वाले को समझाना जो है मतलब कि अपने सर में लात मारने के बराबर है। अगर उसने हल्का सा भी भाया अगर तुमको जो है ना लहरा दिया, मतलब हल्का सा भी अपना स्टीयरिंग ऐसे किया तो भाई तुम लहर जाओगे, वो उसके अंदर ही रहेगा। इसलिए भाई ट्रक वालों से कभी भी बदतमीजी मत किया करो, ट्रक बस टेम्पू वालों से कभी भी बदतमीजी मत किया करो। और ये पता नहीं क्या है भाई, मेरी गाड़ी में जो है ना भाई काली छूट रही है, ये देखो यहाँ से पता नहीं क्या है, पूरे रास्ते भाई मेरे हाथ में काली किस तरीके की जो है ना भाई देख रहे होगे तो लगी हुई थी हमेशा के लिए। बस यही तो है कानपुर में जाम। अच्छा चल रहा है क्या काम दिन में भी? हमको लगा कि सिर्फ रात ही में ये लोग काम करते हैं। भैया जी हम हैं साइड में, बाय। तो भैया काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद जो है ना मतलब दुकान से जो है ना वही जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि भाई पापा लोग कह रहे थे शरबत बटवाएंगे, शरबत बटवाएंगे। भाई गल्ला मंडी साइड तो कोई दिखा ही नहीं शरबत पीने के लिए, इतना घोर सन्नाटा, इतनी तेज़ धूप भाई साहब कि आदमी भी काला हो जाए। और हमको देखो भाई, हम ग्लव्स नहीं लिए ना तो हमें बड़ा बेकार लग रहा है कि हम ग्लव्स क्यों नहीं लिए। ऊपर से गाइस मेरे पास ग्लव्स थे तो मेरा जाते समय जो है ना चार धाम की यात्रा जब कर रहे थे तब मेरा कहीं ना कहीं गिर गया, और भाई तब से वो मिला नहीं। और एक पीस जो है ना भाई अभी भी घर पे रखा है फिलहाल, अभी डिक्की में जो है ना भाई 3 बॉटल रुआवजा के जो है ना भाई ले करके जा रहे हैं, 2 बॉटल जो है ना भैया रोहित भैया क्या देनी है, और 1 बॉटल भैया लेकर के जाना है घर की तरफ। इनकी गाड़ी में देखो भैया कितना धुआं दे रहा, दलाल उठी मोबाइल वरना गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाएगा। जो है ना भाई आ चुके हैं यार अपने घर वाली रोड की तरफ है ना, और लग रहा है यहाँ पे भी जो है ना भाई सब जगह शरबत जो है ना भाई बट रहा है, सब जगह शरबत बट रहा है भाई। कोई ऐसी जगह नहीं जो आज शरबत नाम ने बटते हुए देखा हो, क्योंकि आज एकादशी भी थी ना, इस वजह से। मेन जो थी आपको बात बतानी थी वो यही थी कि भाई तुम्हारा भाई लद्दाख जा रहा है जून के एंड तक जहाँ तक की, और अभी जो है ना काफ़ी जो है ना भाई गाड़ी में मॉडिफिकेशन वगैरह कराने हैं, गाड़ी में लाइट्स लगवानी है। लाइट्स मेरी गाड़ी की बहुत कमज़ोर थी भाई अब की बार जब हम गए हुए थे, तो इस बार जब जाएंगे तो भाई पूरी तरीके से भाई लाइट सही करवानी है ना। और काफ़ी चीज़ें जो ना भाई इस पे कैरियल वगैरह या टॉप बॉक्स वगैरह जो है भाई सोचा हुआ है लगवाने के लिए, देखते हैं भाई टॉप बॉक्स वगैरह लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं लद्दाख राइड के लिए। क्योंकि गाइस मेरे पास ऑलरेडी जो है ना भाई 50 लीटर्स का जो है ना आराम से बैग पैक है मेरे पास, जो मैंने जो है ना डिकैथलॉन से लिया था। लेकिन गाइस मैं जो ना शायद दिल्ली या पानीपत पे जो है ना भाई टेंट ले लूँगा, क्योंकि भाई मैं जो ना काफ़ी जगह जो है ना रुकते रुकाता हुआ जाने वाला हूँ। कुछ जगह पे जो है भाई होटल लेंगे बाकी, लेकिन कारगिल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वहाँ के लिए तो भाई फिर मेरे लिए टेंट ही बेस्ट होगा। फिलहाल बताना आपको यही था कि भाई तुम्हारा भाई जा रहा है लद्दाख एक्टिवा से, और देखते हैं भगवान क्या होता है भाई, क्या व्यूज़ आते हैं क्या व्यूज़ नहीं आते। बट लेकिन ये है कि हाँ घूम के तो आएंगे बढ़िया वाला, और वीडियोस तो जो है ना भाई आप लोग को अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गाइज ये वाले वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लद्दाख की अपडेट्स के लिए भाई जुड़े रहना चैनल पर, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि भाई कभी भी जो है ना भाई वीडियो आ सकती है। और वो देखो भाई ये खड़ी है भाई अपनी होंडा सिटी, और हम जो है ना ये आ चुके हैं यार अपने घर।